स्वागत जय श्री हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे हो। भाई आज तो मैंने बिना सर्दी के कपड़े पहन रखे क्योंकि यार सर्दी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई और मैं नहीं चंदा भाई, मैं सर्दी बीमार हो जू बीमार होगा ना फिर कई दिन वीडियो भी अपलोड नहीं होती है क्योंकि फिर 7-8 दिन ना फिर बेड पर ही रहना पड़ा है। तो इस वजह से भाई आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखो, सर्दी आ गई अपने सर्दी के कपड़े निकाल लो और सर्दी के कपड़े पहना करो। अपना आज म्यूजिक सिस्टम का काम फाइनल कर देंगे, आज म्यूजिक सिस्टम में बजा देंगे 1000 मत है 100% 1000 कह रहा मैं भी 100% आज म्यूजिक सिस्टम बजा देंगे। इतना उसका भाई अपने पास करंट की कमी रह सके शायद, लेकिन जड़ तक ख्याल है भाई अपने आला स्वराज मैनेज कर ला क्योंकि जो अब की बार हमने मोनो एम्पलीफायर एम्प यूज कर रखे है ना वो कम करंट लेते हैं। मैं एक बार आपसे दिखा देता हूँ, आज ये वाला जो मोनो है ना भाई वो यूज कर रखे 7200 वोल्ट पैनासाउंड का। इसका ना डिब्बा एक बार कहाँ पे है, ये रहा इसका डिब्बा। इसका मैं फायदा आपको बता दूं, हाँ भाई इसके ऊपर सिर्फ हम सबवूफर रन कर सकते हैं और यो 1000 RMS में इसके ऊपर ना ऐसे ऐसे 200 वूफर यूज कर सकते हैं हम। लेकिन मैंने ना 3 भी चला के देख रखे, 1 घंटे तक 50 मिनट तक ये 3 वूफर ही बजा देता है, लेकिन अगर पूरा आउटपुट अच्छे तरीके का आउटपुट लेना है ना तो 200 वूफर ये चलाओगा, 200 वूफर चलाएगा बड़े आराम से। और जो हमारे एम्प स्वराज के इस बॉक्स के अंदर हमने इंस्टॉल कर रखे वो SNB के हैं, वो 1500 RMS है, इसीलिए वो एक एम्प 3 सबवूफर चला सके। तो भाई कुछ ऐसी लुक निकल कर आ रही ट्रैक्टर की। हमारे पास ऑप्शन थे भाई, इसने हम डैक ने ऊपर भी कर सके थे या इसी साइज में यहीं थे नीचे भी जा सका था, लेकिन जो यो जुगाड़ हमने बनवाया ना 4 वूफर वाला यो ऐसा बनवाया इन हम किसी भी टाइम उतार सके, किसी भी टाइम हम इसने चढ़ा सके। वो कैसे वो वीडियो में आगे चल कर आपसे भी तो मैं बताऊंगा। और देखो मैंने ये खाली स्पेस इसलिए छटवाया था यहाँ पे इस बॉक्स के टवाने भाई, ये खाली स्पेस इसलिए छटवा था, यहाँ पे एक टूल बना, वीडियो में पहला ही मैंने आपसे भी तो बता रखा होगा, नहीं बताया होगा तो आज बताना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टूल बना कर है, उसमें हम फ्यूल टैंक भी बने, जैसे जॉन डियर में पीछे टंकी है इसमें पीछे कुछ नहीं है खाली जगह दे रखी, तो उसमें हम फ्यूल का भी टैंक बनवा सके, कुछ टूल भी बनवा सके, कुछ भी मतलब बनवा सका हम। तो वो रास्ता मैंने इसलिए छोड़ा था। इसकी फिटिंग चेक कर लो भाई आप, यहाँ तो देख लो यहाँ पे मैंने इस एंगल में ना एक सुराख मरवा दिया, यहाँ तक एक पत्ती जाकर यहाँ मिल जाएगी, इसने पूरी पूरी सपोर्ट मिल जाएगी इस चीज़ से। और दूसरी ये जुगाड़ है भाई, हम इसने कभी भी उतार सकें कभी भी लगा सकें, यहाँ तक एक बोल्ट दूसरा बोल्ट वो एक बोल्ट यहाँ पे एक बोल्ट वहाँ पे, इन सारा जुगाड़ उतर जाएगा, ये म्यूजिक सिस्टम हमारा उतर जाएगा, ना कोई वेल्डिंग का काम है ना कोई कुछ, और बस इस पर पेंट करना रहता है। तो एक बार फटाफट से इस पे टीना नीचे उतार लें और जो एंगल है ना खोल लें और इन पर पेंट मार देंगे। जब ये म्यूजिक सिस्टम लगवा था ना तो ये पत्ती बिना पेंट की रह गई थी, इसकी इस साइड तक भी रह रही होंगी उस साइड तक भी रह रही ये रह रही, तो अभी तक इन पर है ही नहीं, ऐसे ऐसी पड़ी हैं। तो इन पर वो काम नहीं करेंगे, इन पर इन नीचे उतार के इन पर पेंट कर लेते हैं हम। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही भाई, जो हमारा म्यूजिक सिस्टम का बॉक्स है ना वो हमने थोड़ा हाफ भीड़ा बनवा छोटा बनवा क्योंकि भाई हमारा साइज ओवर कम था इस वजह से। तो जो हमारा सब ऊपर है ना अगर हम उसने अंदर डाल रहे हैं तो वो यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक कटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी ही, यहाँ तक कटिंग करनी पड़ेगी, यहाँ तक स्पेस है लेकिन जब इसने थोड़ी एंगल आउट है जब यह इन हो जाएगी ना तो यहाँ तक इसकी भी थोड़ी थोड़ी कटिंग करनी पड़ेगी, इसी की सीधे करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। हाँ बस इतनी है, तो फिर पेटी ने नीचे उतार ले इसने और फिर इसकी कटिंग कर देंगे और फिर इस पर पेंट कर देंगे। उतार लो भाई नीचे बॉक्स, तो भाई हमने उतार के अपना यहाँ पर रख दिया और मैंने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए, जो ये वाली पत्ती इतनी कटेंगी है निशान मन लगा लिए इनके यहाँ के भी और इसका भी, ये इन गैस वेल्डिंग पर कटिंग करा लेंगे और इसकी सपोर्ट के लिए भी जो इतना हिस्सा बचाना फिर उसका सपोर्ट कम हो जाएगी तो उसकी जगह भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करवाऊंगे और ऐसे ही कटिंग हो जाएगी इसकी यहाँ तक भी और इसकी भी, और इसमें सुराख भी मरवाने वो भी नीचे उतर कर आराम से अच्छे तरीके से लग जाएंगे।
कटिंग कर दे रहता है। अरे बूफर आऊं बूफर मट दिया भाई, बात नहीं पड़ रही, थोड़ा काम रह गया। फोन आ रहा है भाई, बूफर चला के देखे थे, ओके चले, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, एमबी बिल्कुल परफेक्ट है और बूफर बिल्कुल ओके चल रहे। अभी नफल का बाहर निकाल लें और निकालने के बाद इस म्यूजिक सिस्टम ने यहाँ पर रखेंगे और ये एम्प इसके अंदर फिट करेंगे। अपने वाला स्वराज ना भाई, 3 दिन हो गए बाहर ही खड़ा करना पड़ रहा हमने, और रात के टाइम देखो भाई सर्दी स्टार्ट है, गर्मियों में भी उस पड़ा, सर्दियों में तो डेफिनेटली पड़ती ही होगी, तो ऊपर तक पानी रिस रिस्क है यहाँ पे, यहाँ तक पानी इकट्ठा होगा यहाँ पर आ रहा, जो देखो यहाँ तो फिर यहाँ पे ये वाला पानी तो गिर गया बिल्कुल नीचे हो जा रहा, सूख गया ठीक है, लेकिन जो यहाँ वाला जो पानी था, अरे टपक गया कि यहाँ वाला जो पानी था वो सीधा डायरेक्ट इसके अंदर चला गया, या देखो अभी तक गिल्ली है यार, तो वैसे तो वाटर प्रूफ है, देखो पानी की इसने अभी तक सूख क्या नहीं, वाटर प्रूफ है, इसको एक बार साफ कर लेते हैं हम और फिर इन्होंने अंदर इंस्टॉल करेंगे। अंदर इंस्टॉल करने का वही मैटर भाई अपना, देखो बाहर ट्रैक्टर खड़ा कर रखा, कोई दिक्कत नहीं, इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, कपड़ा ढकने की नहीं, कुछ नहीं, कैसे कितनी ही मिट्टी में पानी में कैसे चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। देखते हैं भाई सूख लगा नहीं सूखा इन्हें कपड़ा, बाकी धूप निकलेगी ना अपने आप सूख जा, सूख लगाए धूप। ब्लैक पेंट करके ये तो हमने इंस्टॉल कर दिया ट्रैक्टर के ऊपर, और यहाँ तक कटिंग भी आप चेक कर लो, पहले तो मैंने सोचा था मैं ऐसे कैसे अपना स्क्वायर में काट लो इन्हें, फिर वो अच्छी नहीं लगती, तो इस तरीके से काटी हमने ये गोल, बिल्कुल गोल। जिन भाइयों ने पता लग गया हो ना किस वजह से काटी तो ठीक है, नहीं पता लग गया होगा ना तो मैं वीडियो में आपसे भी तब दिखा दूंगा, इनके बिना ना हमारे वो फ्री फिट नहीं होते, लेकिन अब ये लग गए अब अच्छे तरीके से वो फिर फिट हो जाएंगे। और जब उतारने हो ना, जब ये पिट्टी उतारनी है, पहले तो इस बॉक्स को उतार लो और फिर यहाँ पे एक नट ये खोलो, एक नट ये खोलो, ये पूरी पूरी एंगल बाहर निकल जाएगी, और फिर जो पुराने के यहाँ पे वो लगा रखे थे हमने इनकी जगह पे, पुराने कहाँ पे है तो वो उतर कर पुराने आराम से ये वाले इंस्टॉल हो जाएंगे। ऐसा लगा जैसे कभी हमारे ट्रैक्टर के ऊपर 8 सबवूफर लगे ही नहीं थे, तो ऐसा जुगाड़ बनाऊंगे हम अब की बार। बस मेरे साथ प्रॉब्लम ही आ रही भाई, सुबह सुबह ना कोई नहीं आ रहा, ना जो नहीं आंदा, ना सोनू आंदा, ना सुमित आंदा, सुबह सुबह कोई नहीं आंदा यार काम करवान, तो फिलहाल जब तक कोई नहीं आ रहा जब तक अकेला काम करूंगा, फिर एक बार लाइन वैसे भी तो फोन कर लूंगा जो उनसे होगा ना, फिर मेरे साथ लगकर काम करवा देगा, तो चलो बिना किसी देरी के हो जाते हैं शुरू। लो जी सारा सारा कंप्लीट हो गया, 4 अपने सबवूफर ये रहे और दोनों एम्प अपने वो लग गए, वायरिंग मैंने नहीं कंप्लीट कर दी, बस बैटरी में तार लगाने रह गए, और ये जो बॉक्स है ना इन एंगलों पर रख के और ये सबवूफर टाइट करने रह गए, और यहाँ के ये नट टाइट करने रह गए, ये काम रह गए बस छोटे छोटे से, छोटे छोटे से नहीं काफ़ी बड़े बड़े हैं ये भी, तो ये काम मेरे भाई अकेले के नहीं है, यह बॉक्स यहाँ पर रखवाना तो इसमें काफ़ी 2 या 3 बंदों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहला फ़ोन लगाता हूँ जोनी के पास। हेलो किधर जोनी? संभाल का। अरे सुबह आओ था तो मेरे दो रहा है। भाई संभाल का जाल लाग रहा है, काम मत अजीब रहा। ये म्यूजिक सिस्टम दरवाना था यार ट्रैक्टर के ऊपर, कोई नहीं आ रहा है। भाई मैं तो काम तो बार जा रही है, उधर जा फुट दो रहा जान ना हो जा। भाई उठा नहीं अब तक। कुछ नहीं हो कर दी वायरिंग तो धरना है यू म्यूजिक सिस्टम ट्रैक्टर के ऊपर, मैं कर लूं फोन ऊपर धरना मैं इधर लाग जाएगा, टाइम ना होगा दूंगा फिर आ जाएगा, बुरा हाल रहेगा ठीक है।
हाँ भाई किधर सुमित घर आयो भाई आ जाने घर का नहीं फ्री हो तो हाँ जो काम बता के करवा ना काम यो सिस्टम की वायरिंग तो कर दी सारी कंप्लीट है हाँ यो ऊपर धरना ठाएगा बस चलो कोई बात नहीं मैं बाहू भाई कोई नहीं बस सुमित सुमित ना भरी बस यार आने की ये भी यार बस करो वेट रोहित तो कर लो फोन रोहित रखवा देगा इसने ऊपर फिर करे ले होंगे इतना आऊँगे तो इतने सुमित भी आ जाएगा अरुण गाना तो पर इतना जितना भी काम कंप्लीट होना वो कर लो छोटी मोटी जितनी वायरिंग थी वो वाई कर दी ये रोहित भी आएगा सुमित भी आएगा इस पेटन उठा कर यहाँ पर रख लेते हैं एक बार इसने अच्छे तरीके से और फिर इसके स्क्रू टाइट करेंगे ड्रिल के लिए यहाँ पर सुराख मार के ये भी और ये भी बॉक्स हमने ट्रैक्टर के ऊपर रख दिया और एक सुराख लगा दिया एक यहाँ पर लगा दिया वायरिंग देखो किस तरह के तले टक रही इसमें और ना जो यहाँ पर ड्रिल मशीन चला रहे थे ना तो यह चीज़ अड़ा थी फिर हमने खोल दी कड़ पड़िया खुली यार यह बड़ी खुली है ये ड्रिल मशीन के लिए सुराख मार देंगे यहाँ पर आराम तो लग जाएगा लो वीरो व्हाट्सएप ही कर लाते काफी देर होगी मेहनत कर देना 200 वूफर हमने लगा दिए अच्छे तरीके से बाज रहे भाई हैं और वायरिंग आपसे बाद में दिखाऊंगा फिलहाल हमारे 6 वूफर तो हो गए कंप्लीट दो और लगाने लग रहे 5 या 10 मिनट में 2 वूफर और फिट कर देंगे इसमें फिर आप बेस दिखाऊंगा इसकी बेस कितनी अच्छी बेस आई सुमित इन वूफर ने यहाँ पर रखा है तो मेरे छोटा सा काम कर दे उराई एक बार देख यहाँ आ गया ये नट नहीं है ये मैं 10 नंबर का नट लगा बरीक चूड़िया का वो ला दे इसमें ये ऑल्टरनेटर का तार है यार इससे करंट पूरा हो जाएगा ना इस वजह से हम ना टेस्टिंग लेके देख रहे अब बजा के भी देख रहे थे इसने बजाते बजाते फिट करना करे एक तार तो यार आया जो रहा है ना इसका तो एक और चौबा नीले कलर का सिस्टम हैंग कर दिया हमने नए लत्ते पैर दी भाई आज और हमारा भी सिस्टम लगकर रेडी हो गया सारी वायरिंग कंप्लीट कर दी आज आपसे भी दिखाता हूँ मैं आ जाओ लिया 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 एक रही बाइट कराया फ्रंट वाले टायर पर ले जा अनो मारा की और लग गए ये लग गए कितने हो गए 2 तो 4 उतर गया सॉरी ड्रिल मशीन 4, 5, 6, 7, 8 8 हमारे सबवूफर हो गए 4 मोनो हो गए 1 फोर चैनल हो गया 1 स्टीरियो हो गया 4 हमारे पाइनर के ओवल्स हो गए तो यो कंप्लीट अपना सेटअप हो गया पेटी लगकर हमारी रेडी होगी फिटिंग देख लो भाई यहाँ पर हल्का हल्का मैंने पेंट भी कर दिया भाई ये म्यूजिक सिस्टम इसने ये वाली पाती हमारी बैंड ना हो तो यहाँ तक सपोर्ट दे दी इस तरह नीचे तो सपोर्ट नहीं दी नीचे तो मैंने सपोर्ट अच्छी नहीं लगती यार लेकिन जो नीचे की सपोर्ट है ना हकीकत में जो नीचे वाली सपोर्ट है वो वर्क ज़्यादा करा करें उसका बेनिफिट भी ज़्यादा रहा है लेकिन मैंने नीचे वाली सपोर्ट पसंद नहीं तो मैंने इसी वजह से नीचे वाली सपोर्ट दी नहीं क्योंकि पहला ट्रैक्टर में बहुत भीड़ रहा आर्म वगैरह वगैरह इन चीज़ों की तो अगर और वो लगा था फिर और ज़्यादा भीड़ क्रिएट हो जाए ट्रैक्टर में तो मैंने नीचे की सपोर्ट ज़्यादा पसंद नहीं वर्क ज़्यादा नीचे की सपोर्ट करा करा लेकिन मैंने ऊपर की लगा दी देखो यहाँ तक और हम यहाँ आता है इस चीज़ यहाँ आता है यहाँ भी दे सके थे लेकिन फिर उस तक इस चीज़ पर जोर ज़्यादा पड़ता ये भी ठीक है सिस्टम है बड़ी वाला एक बोल्ट यहाँ पे एक बोल्ट वो एक यो ठीक है एक बोल्ट यो दो ये और मतलब यह पेटी इतनी मजबूत होगी जितनी मजबूती अभी नहीं एक बार चैनी नहीं देखी हिला गई हिला नहीं हिला चैने की आउटफिट चेक करो यार चैने की आउटफिट एक नंबर की हो रही है तो हला भाई नहीं मार हला नहीं पड़ेगी भाई ये देखो भाई ट्रैक्टर ही है पेटी नहीं हिलती मेरी गारंटी इस चीज़ की भाई या किसी ट्राली के होगा मैं लग कर फट जाए तो फट जाए बाकी या नहीं हिलती या भी नहीं हिलती इसमें स्टंट स्टंट लगा हमने देख लिया हाँ या डा करेगी पहला और एक बार बस इसके ये डालने लगे एक बार चाहे ये डलवा दे यार बस यह चीज़ आ रही है हमारे डालने भी ना फिर काम कंप्लीट हो जाएगा इसका डोटू हम उठ गया बस उतरी बहन का तेरी का मेरे तो अलग अरे
आज तो भाई रात होगी इस चीज के लिए भाई सॉरी, म्यूजिक सिस्टम की ना आवाज आप तक कल चेकआउट कराऊंगा, कल वाली वीडियो मिस मत करना। बाय बाय टाटा सी।